नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो ऑडिटर के सेक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं, उन कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस हैं जो कि हमारे को ऑडिटर से रिलेटेड हैं, जो कि कई बार स्टूडेंट को होता है कि याद करने में दिक्कत होती है। आज मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे कि वो जो ऑडिटर के सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस हम यूं चुटकी बजाते ही जो है वो याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि सर वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिससे कि हम जो ऑडिटर के रिलेटेड जो सेक्शंस होंगे वो सारे सेक्शंस अभी हम इस ट्रिकी टेक्निक के माध्यम से याद कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उस टेक्निक को। आइए दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक कोड बता रहा हूँ, जो कोड हमारे को ध्यान में रखना है कि वो कोड क्या है, जिस कोड के थ्रू हम वो ऑडिटर के सारे सेक्शंस को याद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो कोड बता रहा हूं उस कोड को हमारे को ध्यान में रखना है, दिस, उसके बाद में एरिया, दिस एरिया, उसके बाद में पी फॉर पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, और एस फॉर स्टेशन, STATION स्टेशन, दिस एरिया पुलिस स्टेशन, मैं इसको इसमें ले लेता हूँ STATION स्टेशन, दिस एरिया पुलिस स्टेशन इज अंडर, उसके बाद में अपन ने लिखा ए, यानी कि ए का मतलब हो गया आम आदमी, उसके बाद में हम यहाँ पे आए और फिर हमने यहाँ पे लिखा आम आदमी के बाद में पी फॉर पार्टी, लेकिन अपन इसको पूरा नहीं लिखेंगे, अपन इसको कट शॉर्ट करके लिख लेते हैं, 1 मिनट, अपन इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके लिख लेते हैं, आम आदमी पार्टी, दिस एरिया पुलिस स्टेशन इज अंडर आम आदमी पार्टी, और सी फॉर अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे सी फॉर अपन ले लेंगे कंट्रोल, तो मैं कंट्रोल यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ, CONTROL, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने ना कुछ कैरेक्टर्स तो जो है वो ग्रीन कलर से लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको कि मैंने क्या करा है कि जिनको कि मैंने ब्लू कलर से लिया है। तो दोस्तों, जो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखे हैं, दोस्तों हम क्या करेंगे, हम उनका अपना एक कोड बना लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो है वो ये कोड बन जाएगा, और हमारा कोड क्या बनेगा, अब हम हमारा पूरा कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मेरा पूरा कोड लिख रहा हूं, सबसे पहले ए, उसके बाद में आर, उसके बाद में ई, फिर ए एरिया, उसके बाद में पुलिस का पी, और स्टेशन का मेरे को एस लेना है, और आम आदमी पार्टी का मुझे ए ए, उसके बाद में पी आम आदमी पार्टी, और सी फॉर कंट्रोल, मुझे ये कंट्रोल ले लेना है यहां से, ठीक है दोस्तों, यहां से मुझे ये काम करना है। अब मुझे क्या करना होगा इसके बाद में, आप ध्यान से समझिएगा, ये मैंने यहाँ पे अपने सारे जो है वो कोड बना दिए हैं, जितने भी कोड मैंने ऊपर जो है वो डिजाइन करे थे वो सारे कोड मेरे यहाँ पे बन चुके हैं, और अभी मैं इनको किस तरीके से लिखने जा रहा हूं आप उसको ध्यान से समझिएगा कि मैं अगली टेक्निक आपको क्या बता रहा हूं। दोस्तों, ये सबसे पहले हमने कोड बना लिया, दिस एरिया पुलिस स्टेशन इज अंडर आम आदमी पार्टी कंट्रोल, ऐसा है कुछ भी नहीं, हमने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे कोड बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सर जो ऑडिटर के सेक्शन होते हैं वो सेक्शन 139 से स्टार्ट होते हैं, और वो सेक्शन 139 से स्टार्ट होकर कहां तक में जाते हैं, सेक्शन 148 तक में जाते हैं। वो सेक्शन कहां से स्टार्ट होते हैं, वो सेक्शन 139 से स्टार्ट होते हैं और वो सेक्शन 148 तक जो है वो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, हमको ज्यादा जो है वो कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना, हमें सीधी एक काउंटिंग लिखनी है, सबसे पहले 139, 140, 141, 142, 143, 144, उसके बाद में 145, 146, उसके बाद में 147, एंड द लास्ट वन इज 148, तो हमारी काउंटिंग यहाँ वाली और यहाँ वाली मैच हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अब हमें क्या करने का है, अब हमें सीधी सिंपल एक मैथमेटिक्स जो है वो यूज में लेनी है, वो क्या, अब हम ये वाले कोड समझते जाएंगे कि सर ये वाले कोड क्या है। तो देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमारे को क्या कराना होता है, सबसे पहले हमारे को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कराना होता है, तो हमने सबसे पहला कोड क्या सीखा,
ए फॉर अपॉइंटमेंट। तो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट दिया हुआ होता है वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ होता है, सेक्शन 139 के अंदर हमारे को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गिवन होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर हमें जितने भी सेक्शन है ऑडिटर के वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा कि ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में है, अपॉइंटमेंट है सेक्शन 139 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अब अपन चलते हैं आर, सेक्शन 140। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। आर का मतलब हमने क्या सीखा, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। वो हमारे को कहां पे दिया हुआ है, वो हमारे को दिया हुआ है सेक्शन 140 के अंदर। उसके बाद में हमारे को कोड आता है ई। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी की, यानी कि जो आपका ऑडिटर है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। वो एलिजिबिलिटी हमारे को कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 141 के अंदर दी गई है। उसके बाद में आते हैं अपन दोस्तों अगला जो कोड आता है हमारा, वो अगला कोड आता है ए, एरिया का ए, जो सबसे आखिरी वाला ए है। इस वाले कैरेक्टर की बात कर रहा हूं जो कि हमारे को डिनोट करता है सेक्शन 142 के बारे में। तो जो सेक्शन 142 है उसमें क्या बताया जाता है, उसमें बताया जाता है सर ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। तो ऑडिटर के रेम्यूनरेशन के बारे में हमारे को कहां पे बताया गया है, ऑडिटर के रेम्यूनरेशन के बारे में हमारे को बताया गया सेक्शन 142 के अंदर। और उसके बाद में हमारे कोर्स आता है सेक्शन 143। तो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर्स। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर्स, पावर्स ऑफ ऑडिटर। क्या ऑडिटर्स जो आपकी कंपनी में अपॉइंट होते हैं सर, उन ऑडिटर्स की जो है वो पावर्स क्या होती है, और साथ में हमारे को ऑडिटर्स की वहां पे क्या बताई जाती है, साथ में हमारे को ऑडिटर्स की वहां पे ड्यूटीज भी बताई जाती है कि सर ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या होती है। उसके बाद में जब अपन आते हैं एस पे, तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सर्विसेस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, सर्विसेस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर। ये हमारा होता है सेक्शन 144। दोस्तों मैं आपको सेक्शन 144 के बारे में एक बात बता दूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि सर जो सेक्शन 144 है, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं सेक्शन 144 के बारे में। ये जो सेक्शन 144 है, इस सेक्शन 144 का सेपरेट वीडियो, इस सेक्शन 144 में जो आपको ये बताया गया कि सर्विसेज विच कैन नॉट बी रेंडर्ड और प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर, इसका जो एक सेपरेट वीडियो है, वो इसका एक सेपरेट वीडियो का लिंक मैंने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से उसको क्लिक करके सेक्शन 144 का जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं, कि ताकि आपको ये पता लग जाएगा। उसका भी मैंने एक मोदी कोड बनाया है, और मोदी कोड जो है वो आप समझेंगे तो आपको बहुत इजी में आपको समझ में आ जाएगा कि सर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं अंडर सेक्शन 144 के अंदर जिसको कि ऑडिटर प्रोवाइड नहीं करा सकता है, जो कि ऑडिटर नहीं दे सकता है। 144 का सेपरेट वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं। तो देखिए हमारे को अगला क्या दिया गया, अगला दिया गया हमारे को सेक्शन 145। तो सेक्शन 145 में क्या होगा, ऑडिटर विल साइन ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन 145 में क्या होगा, सेक्शन 145 के अंदर जो हमारा ऑडिटर है वो ऑडिटर क्या करता है, सेक्शन 145 के अंदर हमारा ऑडिटर वहां पे ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा सेक्शन 145 के अंदर। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सेक्शन आता है 146। उसमें अगला वाला ए क्या बोलता है, ए का मतलब होता है जब आपने ऑडिटर रिपोर्ट साइन कर दी तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, अटेंड एजीएम, यानी कि कंपनी की एजीएम को अटेंड करने का आपका अधिकार होता है, वो दिया हुआ है अंडर सेक्शन 146 के अंदर। और उसके बाद में आता है पी, यानी कि पनिशमेंट, यानी कि ऑडिटर यदि कोई भी किसी भी प्रकार की गलती करता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। और वो जो उसको सजा दे रखी है, उसको जो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट दे रखे हैं, जो पीनल प्रोविजन दे रखे हैं ऑडिटर के, वो हमारे को कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं, वो हमारे को दिए हुए हैं सेक्शन 147 के अंदर। और लास्ट दोस्तों हम आते हैं सी फॉर कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, ये हमारी है कॉस्ट ऑडिट। तो दोस्तों हमने ये सीखा कि सर कौन कौन सा जो है वो कोड होता है जिस कोड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिस कोड के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि सर जो ऑडिटर के सेक्शन है जो कि सेक्शन 139 से लेकर 148 तक आते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों हमने कोड जाना यहाँ पे, दिस एरिया पुलिस स्टेशन इज अंडर आम आदमी पार्टी कंट्रोल। तो हमने कोड उसका निकाल लिया, एरिया पुलिस का पी, स्टेशन का एस, पी एस,
उसके बाद में हमने निकाला आम आदमी पार्टी से ए और पी, और कंट्रोल का हमने ले लिया सी। उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में हमने सेक्शन 139 से कैलकुलेशन शुरू करी, और सेक्शन 139 से हमने पूरी की पूरी एक जो है वो गिनती हमने लिख दी 148 तक। तो सबसे पहले हमने एरिया में जो ए जाना, ए का मतलब हो गया अपॉइंटमेंट, आर का मतलब हो गया रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ई का मतलब हो गया एलिजिबिलिटी की ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्या होगी। उसके बाद में जो हमारा सेक्शन 142 है ए, वो ए हमारे को बताता है ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। उसके बाद में आता है पी यानी कि सेक्शन 143 जो कि हमारे को पावर्स और ड्यूटीज बताता है। फिर आता है सेक्शन 144 यानी कि एस यानी कि कुछ सर्विसेज हैं जिसको कि आपका ऑडिटर नहीं जो है वो प्रोवाइड करा सकता कंपनी को, जिसका सेपरेट वीडियो मैंने आपको डिस्कशन किया कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में अपन ने डिस्कशन किया ए, ए का मतलब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। उसके बाद में ऑडिटर अगले सेक्शन में 146 के अंदर ऑडिटर एजीएम को अटेंड करेगा, और उसके बाद में पी फॉर क्या था जो 147 में आता था, वो था पनिशमेंट, और लास्ट वन था कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये मेरी जो शॉर्ट टेक्निक है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो शायद समझ में आई होगी। इसी तरीके की और भी टेक्निक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा आगे के मेरे नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन थैंक यू सो मच।